कोई मेरे पर जूते मार रहा था, कोई मुझे गुस्से मार रहा था, मुझे तो मुझे दबा लिया था। और विधानसभा का मोबाइल है वो तो यूट्यूब वो भी बंद कर दिया गया था जिस टाइम वो मेरे साथ मारपीट कर रहे थे। मंत्रियों ने आपके लात घोसे मारे, कौन से मंत्री थे जिन्होंने लात मारी? कौन कौन से मंत्री? धारीवाल ने लात मारा मुझे। अच्छा, अरे लात मारने में बुजुर्ग नहीं मार सकता क्या? लात नहीं, नीचे पटक लिया था क्या? नीचे जमीन पर पटक लिया था, मुझे जमीन पर गिरा दिया गया। कम से कम 25 से 30 लोग मेरे ऊपर पड़ गए एक साथ, मुझे नजर ही नहीं आ रहा था, मेरा दम घुट गया था। इन लोगों ने नार्को टेस्ट करवा लो, नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा। तो दुष्कर्म करने वाले लोगों में इनमें कोई फर्क नहीं है, इनके पास सत्ता है इसलिए वो दुष्कर्म कर जाते हैं, दूसरे लोग पकड़े जाते हैं। राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कराओ, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो 20-30-40 लोगों ने दाब लिया, 5 का 15 का पता ही नहीं था, मुझे तो नजर ही नहीं आया। मेरे तो ऊपर बैठ गए, कोई मेरे पर जूते मार रहा था, कोई मुझे गुस्से मार रहा था, मुझे तो मुझे दबा लिया था। और विधानसभा का मोबाइल है वो तो यूट्यूब वो भी बंद कर दिया गया था जिस टाइम वो मेरे साथ मारपीट कर रहे थे। मंत्रियों ने आपके लात घोसे मारे, कौन से मंत्री थे जिन्होंने लात मारी? कौन कौन से मंत्री? धारीवाल ने लात मारा मुझे। अच्छा, अरे लात मारने में बुजुर्ग नहीं मार सकता क्या? लात नहीं, नीचे पटक लिया था क्या? नीचे जमीन पर पटक लिया था। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया, मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घेंस के बाहर निकाला। मार्शल तो आए नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था, हम इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब, वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया, और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। मेरी डायरी इनसे मेरे से अमीन खान ने, रफीक ने, अब मुझे तो मुझे पता ही नहीं, मुझे तो मार्शल ने नहीं निकाला, इन सारे लोगों ने मुझे। अब कौन से मंत्री शामिल थे? कार्रवाई भी कर सकते हैं मुझे, कांग्रेस कार्रवाई कर सकती है। मैं टेबल करना चाह रहा था अध्यक्ष के सामने, मुझे टेबल नहीं करने दी गई डायरी। आप आज मीडिया के सामने टेबल कर सकते हैं? देखिए, मैं मीडिया के सामने क्या टेबल करूंगा, मैं पूछना चाहता था इस डायरी पर यदि जांच करवा दे तो मैं डायरी उनको देके और टेबल कर रहा था। मैं तो डायरी को मेरे से छीनी क्यों गई वो डायरी, मैं तो अध्यक्ष जी को टेबल करना चाह रहा था। जिस तरीके से इन्होंने मेरे साथ लात घुसे मारे, मुझे जमीन पर गिरा दिया गया। कम से कम 25 से 30 लोग मेरे ऊपर पड़ गए एक साथ, मुझे नजर ही नहीं आ रहा था, मेरा दम घुट गया था। इन लोगों ने ये भी छीन लेंगे आपसे? फिर मेरे छीन लेंगे तो मैं लड़ूंगा, जनता के बीच में जाऊंगा। आप मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, कंधे तो मीडिया को दिखाइए ना, आप क्या है? देखिए वो उनसे पूछो तो बताइए, वो डायरी उन्होंने मेरे से क्यों छीन ली, वो डायरी छीनना नैतिक था क्या? इसमें क्या है वो बता दीजिए, वो मैं बता दूंगा। अभी टाइम बहुत बड़ा, जनता में जाऊंगा, कौन कौन से नाम आऊंगा, कौन कौन से नाम है तो नाम आप बताना चाहेंगे? तो नाम बताना चाहिए। अशोक जी गहलोत के थ्रू है, अशोक जी गहलोत है, और कौन है? फाइनेंस वो है, होम वो है, सीएम हुआ है, सारा सिस्टम उनके पास है, बाकी क्या है? बाकी तो लिखी किसने थी? लिखी किसने थी? धर्मेंद्र राठौर। धर्मेंद्र जी राठौर ने लिखी है, पता है सबको। 9वीं मंजिल पे मुझे बलि का बकरा जाके बोले, गुड्डा तू ये डायरी नहीं लाएगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा। मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं राजस्थान की, मैं राव सेखा का वंशज हूँ। हमारी 3 पीढ़ियाँ एक साथ कट गई थी रणावता में महिला के सम्मान के लिए। मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, कोई भी। हमारी माता बहनों ने मुझे यहाँ चुन कर भेजा है, या बढ़वागिरी करने के लिए नहीं भेजा, मुझे भेजा तो या महिलाओं के साथ उसकी अस्मत के साथ सौदा करने के लिए नहीं भेजा। मैं मीडिया के द्वारा मांग करता हूँ कि कांग्रेस के मंत्रियों का नार्को टेस्ट करवा लो, नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा। तो दुष्कर्म करने वाले लोगों में इनमें कोई फर्क नहीं है, इनके पास सत्ता है इसलिए वो दुष्कर्म कर जाते हैं, दूसरे लोग पकड़े जाते हैं। राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कराओ। मैं लड़ाई लड़ूंगा, पब्लिक में जाऊंगा, आपके पास आऊंगा, हो सके जहां जा इस ये लड़ाई। मुझे कहा गया कि तू माफी मांग ले, मैंने कहा क्या कहा आपको माफी मांगने को? मुझे रंधावा जी तो आपके चैनल के थ्रू कह रहे माफी मांग ले, बाकी ओन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड सारे लोग कह रहे माफी मांग ले, क्या गलती की है मैंने? राजेंद्र गुड्डा अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा,
और इस लड़ाई के अंदर मैं आपको मीडिया को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत में बैक नहीं होऊंगा, चाहे जेल में डाल दे, चाहे गोली मरवा दे, चाहे हत्या करवा दे, जब तक मेरा दिल धड़केगा, जब तक इस बदन में सांस रहेगा, तब तक राजस्थान की बहन बेटियों के लिए एक भाई के रूप में, एक गार्जियन के रूप में उनके लिए बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा।